से बोलो प्लीज लाइक सब्सक्राइब गुप्तरी ब्रांड। ये क्लिप है 29 दिसंबर की। तो सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में मैंने गरम कर दी थी वही बिच्चू कुट्टीज की स्टफिंग वाली छलोड़ी मक्के की रोटी। तो अंदर से ऐसी होती है कचालू के साथ इसकी स्टफिंग की जाती है, बहुत ही ज्यादा यम होती है खाने को। बिच्चू कुट्टी की स्टफिंग है इसमें, जो कुंची में कुंची बोलते हैं हम जिसको, हमने वो हम ऐसे भी खाई है और ऐसे मार भी खाई है हमने उसको। बोलो हेलो जी। हेलो जी। भागो फिर ऐसे बोलो प्लीज लाइक सब्सक्राइब गुप्तरी ब्रांड। तुम फ्री ब्रांड हो जाते हो हेलो करो प्लीज बोलो तो प्लीज लाइक कीजिए ना उन्हें उन्हें मजान दे बोले नहीं रोए नहीं थी और ना और भी खुश है ठीक है खुश रही चाहिए कि खुश नहीं रही चाहिए मैं नहीं खुश अलग खुश डा तो आ रहते कौन ना करे हिंदी में बोलो तो नहीं पहाड़ी में लोग समझेंगे नहीं क्यों है अरे मेरी बहू बुद्धि है ऐसे खुश रखती है मेरे को तू वो ठीक है बहू नहीं है ठीक बहू यहाँ पे मेरे सास है इधर देखो ऐसे करो ऐसे ये दादी सास है। हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज डेट है 29 दिसंबर है शायद आज और ट्यूसडे है। बाल धोने थे आज फिर नहीं धोए क्योंकि ट्यूसडे था। तो ये चले गए हैं, इनका घर यही है सामने पार यहाँ पे देखे ना। अभी दिखाती हूँ मैं इनका घर आपको, यहाँ बैठ गई हूँ। एक तो वहाँ धूप लगी है ना, ये वाला जो तो पार्क को देख रहे हैं ये सामने ही है इनका घर। तो ये आ गई थी सुबह सुबह ही, मैं थोड़ा काम कर रही थी इस वजह से मैं वीडियो इनको ज़्यादा नहीं बना पाई। और आज ब्रेकफास्ट में खाई हमने कुंची बेड़ों की छलोड़ी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अभी मैंने सारा झाड़ू पोछा कर दिया है क्योंकि सुबह जितने में उठी मम्मी ने उतने में कपड़े भिगो दिए थे, फिर उन्होंने वो धो लिए। और वीडियो नहीं बना रही थी आज, मेरा दिल कर रहा था कि आज रेस्ट कर देती हूँ पर पता नहीं क्यों फिर रहा ही नहीं जाता। ये दादी थे ये पहाड़ी में बात कर रहे थे कल है ना, वो तो समझ गए होंगे लेकिन जो है बाहर के नहीं समझे। बस ऐसे ही खट्टी मिट्टी बातें होती रहती है गांव में ना। एक घड़ी आ गई थी तो एक ये आते हैं बाल बनाने, एक ट्रेडिशनल बनता है हमारा छड़कटू बोलते हैं उसको, आज ये ऐसे ही आए थे। तो अगर ये उसको बनाने आएंगे ना कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि हमारे ना पहले पुराने ज़माने में मेरे नानी भी उसी तरह से बनाते थे। और मेरे को ना अभी ठंड लग रही है क्योंकि सारा काम किया है ना, सुबह कपड़े भी धोए हैं, मैंने क्या करना है किचन में जाना है फटाफट से, मैंने फुलके बनाने हैं सब्जी बना दी है और फिर धूप में चले जाना है। बहुत ठंड लगती है सुबह, यहाँ पर धूप ही नहीं आती है। तो अब धीरे 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 करके जब हमारे साझा आता है ना संक्रांति, उस दिन तक हल्की हल्की अच्छे से धूप लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि बड़ा दिन जो है उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ आज बालू शाही बनाऊंगी क्योंकि मेरी एक जो सब्सक्राइबर हैं यहीं से हैं लोकल निर्मण से, शकुंतला नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे बहुत पहले बोल दिया था, टाइम ही नहीं लग रहा था तो मैं आज फटाफट से वो बना दूंगी। और चलिए फिर किचन में चलते हैं, फटाफट से फुलके बनाते हैं और वो बालू शाही मैं आपके साथ शेयर करूंगी बनाना, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। बालू शाही बनाने के लिए मैंने ऑयल हीट करने के लिए लगा दिया है अपना रिफाइंड और यहाँ पे डेढ़ कटोरी पानी में मैंने डेढ़ कटोरी जो है शुगर ऐड कर दी है और उसी के साथ ही मैंने इसमें बाद में ऑरेंज कलर का फूड कलर डाल देना है। और मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी मैदा, उसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कटोरी थोड़ी सी आधी है मेल्ट किया हुआ घी ताज़ा और इसमें मैं हल्का सा फूड कलर डाल दूंगी ऑरेंज फूड कलर और इसको आपस में अच्छे से मिक्स दे दूंगी। तो इस तरह से मिक्स करना है ये आपस में कि हाथ में जो है जब इस तरह से रखे तो एकदम से अच्छा जैसा इसका बन जाए, तो जो तोड़ने पे इस तरह से टूटे। फिर इसके बाद मैं इसको हल्के गुनगुने पानी से अच्छे से इस तरह से इसका एक डो बना दूंगी जिस तरह आटे का बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी शुगर जो मैंने पिछली बार की पीस के रखी हुई थी। तो ज़्यादा नरम नहीं करना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है, तो चीनी वाला है। आप इसमें ना इस टाइम मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा आटे की तरह नहीं गूंथना है, बल हल्का हल्का सा गूंथ के इकट्ठा कर देना है एक बार में भी। और इसके बाद मैंने इसको ढक दिया था और यहाँ पर मेरी जो है शुगर सिरप बन तैयार हो गई है। इसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है और इस तरह से मैं अब इसकी गोल गोल छोटी छोटी सी लोइयां बना दूंगी और बालू शाही का जो है इसमें शेप दे दूंगी, बीच में से जो है हल्का सा छेद कर दूंगी। तो देखिए फटाफट से मेरे बालू शाही की शेप बन के हो गई है तैयार। अब मैं इसको ऑयल में डाल दूंगी अपने गर्म ऑयल में, तो
ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, इतना रखना है कि अच्छे से पक जाए। और काफ़ी देर लग जाती है, यहाँ पर इनको डीप फ्राई भले ही किया है लेकिन देर तक पकाया है अंदर तक। इनको मैं अब सिर्फ मैं एकदम से गर्म गर्म नहीं डालूँगी, थोड़ी देर में जो है इनको बाहर निकाल दूँगी। तीसरी बार जो है मैं ये बालूशाही बना रही हूँ क्योंकि रौनक को भी पसंद है। तो इस बार जो है मार्केट से खूब सारी मिठाइयाँ खा ली थी, बीच में जब होता है ना शुरू में बिल्कुल ही नहीं ले रहे थे तब जाके ये हलवाई बनी थे। मैं भी तभी हलवाई बना था, आगे पीछे नहीं था, बालूशाही बनाने का नहीं होता था। तो मेरे जो है पहली बार में अच्छे बन गए थे तो मैं बनाती ही रहती हूँ, फिर तीसरी बार बना रही हूँ, आज काफ़ी अच्छे बन गए थे। तो इसी तरह मैं ये सारे जो है अपने फ्राई कर दूँगी और उसके बाद मैं अपने पतीले मतलब कि जो सिर्फ वाला पतीला है उसमें डाल दूँगी और मेरे बालूशाही बन के हो गए हैं तैयार। तो देखिए कैसे बने। यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी और मैं यहाँ पे टमाटर प्याज वगैरह आग के पास कट करूँगी। और शाम के बजे हैं 5:30 और ये है हमारे आंगन की तुलसी। और अभी आ रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो बाहर आई हूँ देखने कहाँ पहुँचे। तो ऐसे ही लगा रहता है जब आने वाले होते हैं। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो शाम का व्यू देखिए और बाद में आप लोगों के साथ सुबह का व्यू शेयर करती हूँ। आज आप शाम का व्यू देखिए। देखना कैसा निकलेगा। हेलो पापा, नमस्ते, कैसे हो? नजर बैग पे रौनक की, मतलब बैग कपड़े चाहिए। अच्छा। वॉच ही दिखा तो रौनक, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए रौनक की वॉच खोली है पापा ने, ऑलरेडी होगी कर दिया इसने, वो डाल दिया सब कुछ। अभी सिम नहीं डाली है। अच्छा, रौनक ने जो है अपने पापा के कान खा लिए थे, मेरी स्मार्ट वॉच लेके आओ, स्मार्ट वॉच लेके आओ, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही जो है इसकी डिलीवरी हो चुकी थी। हस्बैंड ने आज नहीं आना था, उन्होंने न्यू ईयर पे आना था, लेकिन बच्चों की ज़िद के सामने फिर आना ही पड़ा क्योंकि रौनक हर चीज़ के लिए ज़िद नहीं करता है। उसको ना अपनी स्मार्ट वॉच का था कि कब लेके आए पापा, तो आज ये जल्दी से इसके लिए लेके आ गए हैं। तो ये है रौनक की वॉच। रौनक ठंडा हुआ है, चल अंदर आग के पास, ऐसे ना इसके हाथ ठंडे बिल्कुल। सुप्रभात सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने हाल चाल जरूर बताइएगा। आज दिन है वेडनेसडे, दिन के बजे हैं अभी पूरे 10:30 या 11 बजे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा और वो घड़ी वहाँ पे रुकी पड़ी है। मैं आई हूँ पीछे अपने पीछे वाले घर के पास क्योंकि आज बहुत है ठंडी धूप। डेट है 30 दिसंबर, तो ये व्लॉग मिलेगा आपको कल। आज 30 दिसंबर को मतलब कि पिछले कल मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया, तो व्लॉग मेरा बना हुआ था, बस एडिटिंग नहीं हुई थी। अंदर से ना आपको पानी की आवाज़ आ रही है, एक मिनट में पानी बंद करती हूँ। अंदर पानी खुला था, मैंने ना यहाँ पे पानी गर्म करना है। आपको मैं दिखाऊंगी अपने बालों के हाल ना। यहाँ देखिए मैंने छोटी 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 करके बना के रखी है और मेरी कंघी भूल गई थी यहाँ पे, जिस दिन मैं यहाँ थी और उस दिन से मैंने कंघी नहीं की और ऑयलिंग करके रखी और ये बना के रखा, क्योंकि मैं ना किसी की भी कंघी यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से ना यहाँ पे सफाई करूँगी। और यहाँ क्यों आई हूँ मैं, रौनक और हस्बैंड कहाँ है तो बताती हूँ। हस्बैंड ना शाम को आए, मतलब कि कल शाम को आए 29 को, और अभी वापस जा रहे हैं, उनको कुछ काम है, तभी वो हैप्पी न्यू ईयर पे वापस आ पाएंगे। न्यू ईयर हम हमेशा साथ मनाते हैं। तो अभी हमारी जो सोसाइटी का राशन होता है ना, उचित मूल्यों की दुकान जो सरकारी होती है, वो राशन मिल रहा है, हम हमेशा ही लेते हैं क्योंकि चीनी तेल वगैरह यूज़ करते हैं। मुझे तो चावल भी अच्छे लगते हैं वो वाले, और बीच बीच में मिक्स करके फिर बना देते हैं, जो जो भी मिलता है अच्छा रहता है, खा लेना चाहिए सब कुछ खाने में। फिर मैंने किया है अपनी बहन को फ़ोन, मेरी बड़ी वाली बहन, हमारा ना वहाँ पे धूप नहीं लगती है। यहाँ से ना मेरे मायके के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ही है, तो मेरे हस्बैंड ही जाएंगे उसको लाने, वो उसको ले आएंगे, थोड़ी धूप सेक लेगी। बेटा आएगा आज मेरे घर उतने में, क्योंकि घर ना बंद बंद जैसा है, ऐसा फैला फैला जैसा हो ही जाता है। मैं फटाफट से साफ़ कर दूँगी यहाँ पर अपना ये घर, और
फिर आएंगे वो देखेंगे, फिर शाम को नीचे जाएंगे क्योंकि यहाँ आग और हीटर वगैरह का प्रबंध नहीं है क्योंकि बेटा है छोटा। देखते हैं क्या करते हैं, क्या बोलती है वो। और खाना मैं यहीं पे बनाऊंगी, अपने लिए तो मैं लेके आई थी आगे से सब्जी फुलके, लेकिन फिर वो होगी उसकी, दोनों बच्चे होंगे बेटी और बेटा, तो फिर यहीं पर ही करेंगे। तो चलिए बातें ना करते हुए फटाफट से मैं काम शुरू कर देती हूँ। नहाऊँगी मैं, बाल धोऊँगी। यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी धूप आती है, फिर धूप के पास बाहर बाल धोने में तो मज़ा ही कुछ और आ जाता है। यहाँ तो वैसे साफ ही है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा पूरा किचन साफ कर दूंगी। और इसके बाद ना मैं अपनी दीदी को फोन करूंगी कि वहां से ना वो लेके आए वो बीज वगैरह, क्योंकि हमारे ना बहुत बीज वगैरह होते हैं अच्छे। यहाँ खिड़की से धूप आ रही है अंदर बीच बीच में से, ये देखिए। तो यहाँ पे ना बारिश हुई है, यहाँ पे मैं धनिया और जो भी हरी सब्जियां वगैरह होती है वो भी बीज के रखूंगी। देखूंगी शाम को नीचे जाऊं या यहीं रहूं, क्योंकि हस्बैंड जो है फिर कल 31st है वापस आएंगे। होता है ना, काम होता है उनका भी अपना, क्योंकि अभी साल का एंड है, बोलते हैं हमारा अपना कुछ काम वगैरह होता है तो उनको जाना पड़ेगा आज वापस। चलिए फटाफट काम करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, फिर जब दीदी का बेटा आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है रौनक पुत्र, पापा कहाँ गए? और यहाँ से हाँ पानी देती हूँ, अभी थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, धूप लग रही है अभी। अभी मेरी बहन आएगी और बहन को लाने जाएंगे ये हम दोनों जाएंगे। हाँ जी ठीक है, फिर पापा के बिना कोई चला जाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। और ये हूँ मैं, मेरी तीन गुत मैंने इधर को बनाई है, तीन इधर को बनाई है। फिर मैं अब नहाऊंगी और उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। चलिए हस्बैंड को पानी देती हूँ पीने को, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मेरी जो कॉम है यही भूल गई थी मैंने, वो जो छोटी छोटी गुत बनाई थी तीन इधर को तीन उधर को, वो मैंने खोल दी है खूब सारी ऑलिंग करके मैंने, वो बिना ही कंघी किए बनाई थी। तो मुझे यही था, मैं पीछे जाऊँगी और वहाँ पर ही अपने बाल धो लूँगी क्योंकि यहाँ डायरेक्ट धूप आती है और धूप में बाल धोना ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे इतने अच्छे से मैंने अपने हेयर वॉश कर दिए आज, क्योंकि आज वेडनेसडे भी है, ट्यूसडे को हमारे इधर कहीं नहीं धोते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, कभी याद नहीं रहती या क्वार्टर पे तो धो लेती हूँ। और ये देखिए ये आ गया है मेरी दी का बेटा क्यूट, और एक मेरी दी की बेटी। यहाँ पे इनको रुकने को बोला है मैंने क्योंकि हम लोग ना जब कोई पहली बार घर आता है, ये हमारे घर नहीं आया है, पता नहीं मैंने बड़ों को देखा है तो सर के ऊपर से आटा घुमाते हैं, बस वही वेट कर रहे हैं ये यहाँ पे। मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है पर मैंने अपनी मम्मी को देखा है जब मैंने रौनक ले गया था वहाँ पे, और जब मेरी ननद की बेटी आई थी मम्मी ने भी ऐसा किया था तो मैंने भी ठीक वैसा ही कर दिया है। मुझे लगा कि चलिए पहली बार आया है मेरे घर तो ऐसा ही होना चाहिए, साल के एंड में आ गया है ये मेरे घर में। ये दी मेरी जो है सबसे बड़ी दी है, तो ये मैंने इसको फ़ोन कर दिया था जब मैं रास्ते में आ रही थी कि मैं पीछे वाले घर के पास आ रही हूँ क्योंकि हस्बैंड भी यहीं थे। फिर मैंने उनको जब वो सोसाइटी में सामान लेने गए थे, सामान लेने के बाद मैंने उनको बोल दिया फटाफट से आप उसको लेके आ जाओ क्योंकि बिल्कुल ही नज़दीक है, पिछली साइड के से थोड़ा दूर पड़ता है लेकिन यहाँ पास सामने के लिए थोड़ा सा वो रोड से निकल गई थी 1.5 किलोमीटर आगे। तो ये फटाफट आ गई, दिन भर हमने यहाँ खूब मज़े किए लेकिन शाम को ये वापस चले गए क्योंकि फिर बेटा ना रहता नहीं है दूसरों के घर में शाम को। वो कौन है, कौन है ये मेरा माछी है, वो देखो तो कौन है, दो कौन है वो वहाँ पे, हेलो करो हेलो कर दी हमने अजमल। इनके ना धूप नहीं होती है, ये धूप के पास आए हैं स्पेशल, हमारे तो बहुत अच्छी धूप होती है ना। और ये पछाड़ते हुए क्या लगाया है आपने, क्या पहना था, क्या बोलते इसको, हाँ हेलमेट पहना है, हाँ इस पे बैठते नहीं है, इसको सिर पे लगाते हैं। चंदा ने पूछा तारों से, कहा तो चंदा ने पूछा तारों से, पापा के पापा।
अच्छा भाऊ के पापा। मेरे दीदी जो है बुआ के घर चले गए थे, यही अगली साइड मेरे एक बुआ जी हैं, रियल बुआ है मेरे। तो मैं और रौनक और श्रेया और मेरे हस्बैंड हम आ रहे हैं रोड के लिए, थोड़ा सा ही है यहाँ पे रोड। तो अब ये जाएंगे वापस क्योंकि दी ने बोल दिया कि नहीं भाई, हो जाता है बच्चे कई बार रात को फिर नहीं रहते हैं। बाइक चाहिए। क्या चाहिए? बाइक। बाइक चाहिए आपको भी? हाँ। अपने पापा से मांगना, ठीक है? हाँ। मांगोगे? हाँ। हाँ जी। हाँ जी। ये रोड जा रहा है हम लोगों के गांव नीचे, थोड़ा सा आगे तक निकल गया है, ये देखिए आगे तक, वहां तक नीचे हमारे घर तक, पता नहीं कहाँ तक निकल पाएगा ये अभी पता नहीं है। यहाँ देखिए आगे। यहाँ छोड़ के हस्बैंड चले गए थे वापस और हमें छोड़ दिया था हमारे घर के पास। फिर आ गए थे हम घर के पास नीचे, मैंने भी खाना वाना बनाया, फिर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था वीडियो बहुत लंबी चले जाएगी। थोड़ी सी रौनक ने वीडियो बनाई है तो शाम को। कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, जो मुंह दिख रहा है ना, हाँ वो थोड़ा रेड, पता है क्यों है? क्योंकि जो एटमोसफियर से जो कुछ लाइट्स होती है ना, जैसे रेड और येल्लो, वो ना एटमोसफियर को पार कर देती है और फिर वो उसको हिट कर जाती है मून को, इसलिए मून रेड दिखता है। और ये हर रोज़ पता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मून का वो जो एक्सेस है ना, वो ऐसे है ऊपर और से नीचे को, पर एक वक्त ऐसा होता है ना जब ये लाइंस ना उसको हिट कर देती है, और देख लीजिए ये रेड नज़र आता है, देख लीजिए कितना खूबसूरत लगता है ना ऐसे ये, देख लीजिए आप भी मून का व्यू। यहाँ से उतना अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब कैमरा से उतना अच्छा नहीं दिख रहा, पर वहाँ से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, देख लीजिए कितना अच्छा है ना। इसे रेड मून बोलते हैं और ब्लड मून भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखना। ये देख लीजिए अच्छी तरह से। So guys, अब मैं तो शाम के बजे हैं इस टाइम, पूरे 9:30 रौनक और उसके दादू दादी हैं पीछे वाले किचन में, मतलब कि आग के पास में आई हूँ अभी अभी यहाँ पे रूम में, और रूम में जला है हीटर, क्योंकि अगर यहाँ पे ना हम ऐसे ही रह जाते हैं आते हैं तो एकदम से ठंड लगती है, तो मैं यहाँ पे हीटर चला लेती हूँ। और अब करूंगी मैं वीडियो का एंड, क्योंकि मुझे मैंने 2 दिन की इकट्ठी ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। पहले सोच रही थी कि मैं ये वीडियो रहने देती हूँ, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी करके एडिटिंग करके शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और आज गई थी मैं पीछे, मेरा मायका जो है ना बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, दीदी को मैंने वहाँ बीच के लिए बोल दिया था, थोड़ा सा आया तो हस्बैंड आए थे, तो जब वो सोसाइटी में सामान ले रहे थे ना, मैंने उनको बोला कि दीदी को लेके आओ क्योंकि यहाँ पे ना धूप काफ़ी अच्छी लग जाती है। तो हस्बैंड भी चले गए थे और दीदी को ले आया, बेटे से भी मिल ली क्योंकि यहाँ पे धूप लगती है, नहीं तो मैं भी जा सकती थी, पर देखूंगी बीच में जाऊँगी, जब मौसम ख़राब होगा ना तब जाऊँगी, क्योंकि दीदी बोल रही थी परसों भी वहाँ पर जो है बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी। मुझे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बोल रहे थे कि बर्फ़ नहीं पड़ी, तो यहाँ पर नहीं पड़ी बर्फ़, यहाँ पे मतलब नज़दीक तक आ गई थी, एक दो दिन और बारिश होती रहती तो यहाँ पे भी पड़ जानी थी, तो वहाँ पे भी इतनी नहीं पड़ी, लेकिन वहाँ पे ना स्नो आनी शुरू हो गई थी बोलते हैं रात को। और अगर मौसम ख़राब रहा तो जनवरी में 4 जनवरी को पर फिर से स्नोफॉल का बताया, उस टाइम तो मैं आपको ज़रूर अपने ब्लॉग में जो है स्नो दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड, नहीं तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। और कोशिश करूंगी मैं 1 जनवरी को जो मेरी वीडियो आएगी कल, तो मैं उसमें
आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करूँगी, आपके साथ हमेशा अपना रूटीन रूटीन ही शेयर करती रहती हूँ, तो इस बार मैं भी आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करूँगी अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर का, और जो भी मुझे सही लगेगा देखूँगी मैं क्या करती हूँ। और जो मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर करिए, प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है और आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं व्लॉग्स इसी तरह बनाती रहूं, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करती रहूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद ना शेयर भी कर दीजिएगा हो सके तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।